तो चलिए अब जान लेते हैं एक ऐसे किले को जो किसी शहर की शान कहा जाता है। जी हाँ, मेहरानगढ़ किले को जोधपुर की शान कहा जाता है। ये भव्य किला 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर होने के चलते राजस्थान का सबसे सुंदर किला है, जिसे पूरा शहर नजर आता है। 500 साल पुराना ये किला शक्ति, साहस और त्याग के साथ साथ राजस्थानी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस किले के बारे में। 500 साल पुराना है ये किला। ये किला है जोधपुर की शान। ये है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में स्थित है। मेहरानगढ़ किला पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बसे होने के कारण राजस्थान राज्य के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। ये भव्य किला 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर जोधपुर की शान के रूप में स्थित है। 15वीं शताब्दी का ये विशालकाय किला पथरीली चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है। 8 द्वारों और अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है ये किला। सामरिक दृष्टि से बनवाया गया ये किला प्राचीन कला, वैभव, शक्ति, साहस, त्याग और स्थापत्य का अनूठा नमूना है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण सन 1459 में प्रारंभ हुआ। ये किला घिरा है 10 किलोमीटर लंबी दीवार से। इसके परकोटे की ऊंचाई 20 फुट से 120 फीट तक है। किले के परकोटे की चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। ये किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। इस किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24वीं संतानों में से एक थे। वो जोधपुर के 15वें शासक बने। शासक की बागडोर संभालने के एक साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है, इसीलिए उन्होंने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर भोरचिड़िया पहाड़ी पर मेहरानगढ़ की नींव रखी। इस पहाड़ी को भोरचिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता था। इस किले के निर्माण को लेकर ऐसी धारणा है कि भोर पहाड़ी पर चिड़ियानाथ जी नाम से सन्यासी रहते थे। किले के निर्माण के दौरान उन्हें जबरन पहाड़ी से हटा दिया गया। इस कारण उन्होंने राव जोधा को श्राप दिया कि इस किले पर हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी। इस कारण आज भी यहाँ पानी की किल्लत बनी रहती है। गुजरते समय के साथ इसमें जोधपुर के अन्य शासकों ने कई इजाफे भी किए। किले के दूसरे दरवाजे पर आज भी पिछले युद्धों के दौरान बने तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। अंतिम संस्कार स्थल पर आज भी सिंदूर के घोल और चांदी के पतली वरक से बने हथेलियों के निशान पर्यटकों को उन राजकुमारियों और रानियों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने पतियों के लिए जौहर या आत्मदाह किया था। मेहरानगढ़ में बने हैं 7 मुख्य और 1 गुप्त दरवाजे। जयपुर और बीकानेर पर मिली जीत की खुशी में बनाया गया जयपोल। फतेहपोल का निर्माण 1707 में कराया गया। मुगलों पर मिली जीत की खुशी में बनाया गया था फतेहपोल। मेहरानगढ़ किले का संग्रहालय राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। किले के म्यूजियम के एक विभाग में पुरानी शाही पालकियों को रखा गया है, जिनमें विस्तृत गुंबददार महाडोल पालकी का भी समावेश है, जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। ये म्यूजियम हमें राठौड़ों की सेना, पोशाक, चित्र और सुसज्जित कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। राव जोधा को चामुंडा माता में अथाह श्रद्धा थी। चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुलदेवी होती हैं। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। माना जाता है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान सबसे पहले जोधपुर को टारगेट किया गया था। लोगों का मानना है कि इस दौरान माता की कृपा से यहाँ के लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ था। अद्भुत है इस महल की शिल्पकारी। किले की छत पर लगाई गई थी तोपें। इन तोपों से होती थी 6 किलोमीटर तक के क्षेत्र की रक्षा।
दुर्ग के भीतर जब प्रवेश करते हैं तो सिलह खाना यानी शस्त्रागार, मोती महल, जवाहर खाना आदि मुख्य इमारतें इतनी खूबसूरती से बनाई गई हैं कि इन्हें पर्यटक देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोती महल के प्रकोष्ठों की भित्तियों तथा छतों पर सोने की अनुपम कारीगरी की गई है। जिले के उत्तर की ओर ऊंची पहाड़ी पर थड़ा नामक एक भवन है जो संगमरमर का बना है। ये एक ऊंचे चौड़े चबूतरे पर स्थित है जहां जोधपुर नरेश जसवंत सिंह सहित कई राजाओं के समाधि स्थल बने हुए हैं। जोधपुर की एक विशेषता यहां की कृत्रिम झीलें और कुएं हैं जिनके अभाव में इस इलाके में नगर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मेहरानगढ़ के किले का एक कुआं तो 135 मीटर गहरा है। इस सारी व्यवस्था के बावजूद वहां जल का अभाव सदैव महसूस किया जाता था। मेहरानगढ़ के किले में लगा रहता है साल भर पर्यटकों का जमावड़ा। जोधपुर के लिए हवाई, सड़क और रेल तीनों प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। मेहरानगढ़ में हो चुकी है हॉलीवुड फिल्म डार्क नाइट की शूटिंग। चाहे बात शिल्पकारी की हो या किले की मजबूती की, मेहरानगढ़ का किला हर रूप में खरा उतरता है। यहाँ राजपूती गौरव और राजकुमारियों और महारानियों के त्याग की झलक आज भी देखने को मिलती है। स्पेशल डेस्क A1 टीवी। रंग रंगीले राजस्थान में आज हमने सुंदरता, भव्यता और वीरता से भरे शौर्य दुर्गों के विषय में जाना। ये किले राजस्थान के गौरवपूर्ण अतीत के गवाह हैं जो आज भी इस मरु प्रदेश की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं और साथ ही इस प्रदेश के समृद्ध और वैभवशाली इतिहास को प्रदर्शित करते हैं।